नेक्स्ट इज सुकेस नंबर फोर. व्हेन पी इज ग्रेटर देन वन, क्यू इज ग्रेटर देन वन, और आइदर वी कैन से दैट वन लेस देन पी क्यू लेस देन इंफिनिटी. राइट, ये बीच वाले नंबर्स आ गए. पहले हमने p इज इक्वल टू 1 लिया, q इज इक्वल टू इंफिनिटी लिया. अब जितने नंबर्स 1 और इंफिनिटी के बीच में हैं, वो सारे केसेस हम करेंगे. इसमें सब केस 1. व्हेन f इज इक्वल टू 0 एंड g इज इक्वल टू 0, द रिजल्ट होल्ड्स ट्रिवियली. रिजल्ट होल्ड्स ट्रिवियली. So we will take the case, sub case 2, when f is not equal to 0 and g is not equal to 0, where f belongs to LPAB and g belongs to LQAB. Right? So now, what is norm of FP? नॉर्म ऑफ एफ पी की डेफिनेशन आएगी इंटेग्रेशन ए टू बी मॉड ऑफ एफ पी. ठीक है जी, रेज टू पावर 1 बाय बी. बेटा ये लेस देन इंफिनिटी है, मतलब ये फाइनाइट है. ठीक है, अब उसमें उन्होंने लेस देन इंफिनिटी नहीं लिखा, क्योंकि जो बेटा एलिमेंट एलपीएबी में आ गया उसका जो इंटेग्रल है वो लेस देन इंफिनिटी होगा. सिमिलरली जी क्यू इज इक्वल टू इंटेग्रेशन ए टू बी 1 by q is finite matlab it is less than infinite. theek hai ji, now jo above lemma hai beta, jo a raised to power p hai, we will use the lemma here. by using the lemma, a raised to power p upon p plus b raised to power q upon q. ठीक है जी, ऑन टेकिंग a इज इक्वल टू मॉड ऑफ f अपॉन नॉर्म ऑफ fp एंड b इज इक्वल टू मॉड ऑफ g अपॉन नॉर्म ऑफ gq. राइट, उसके बाद a और b अब हम इसमें ऊपर वाले में बेटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो व्हाट यू विल गेट, जब आपने ऊपर सब्स्टिट्यूशन की, एक बचा मॉड ऑफ f into mod of g, नीचे norm of fp, norm of gq. here is वही सेम जैसे हमने होल्डर्स में पहले किया था, बस इसमें इंटेग्रेशन आगे जाके इंट्रोड्यूस करेंगे. वहां पे समेशन किया था, यहाँ पे इंटेग्रेट करेंगे. राइट, पावर p, क्योंकि पावर p में है, a raised to power p upon p है. ठीक है जी, तो दोनों तरफ पावर आ जाएगी. 1 by q mod of g raised to power q upon of g और यहाँ पे q. राइट, सो इसको हम इकट्ठा कर लें. दिस इज एफ जी मॉड, दिस इज नीचे वाला एज इट इज, दिस इज लेस देन और इक्वल टू ये वाला हिस्सा बेटा सारा एज इट इज 1 बाय p, हियर इज 1 बाय q. राइट बेटा, वहां पे हमने एफ आई जी आई एक्स आई वाई आई लिया था. सो हमने समेशन किया आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n, आई रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी. यहाँ पे समेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इंटेग्रेट करेंगे. वी विल इंटेग्रेट, सो टेकिंग इंटेग्रेशन ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, वी गेट. सो यहाँ पे इंटेग्रेशन जहां वहां होगी जहां मॉड है. नॉर्म पे इंटेग्रेशन नहीं होगी क्योंकि नॉर्म स्केलर है. दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 बाय बी, दिस इज इंटेग्रेशन ए टू बी मॉड ऑफ एफ पी अपॉन नॉर्म एफ पी प्लस 1 बाय क्यू इंटेग्रेशन ए टू बी मॉड ऑफ जी क्यू अपॉन नॉर्म ऑफ जी क्यू क्यू. और ये व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, ये सेम है जो बेटा नीचे लिखी है, सेम वैल्यू. तो ये बेटा ऊपर नीचे से कट जाएगा. ठीक है जी, हियर इज 1 बाय पी एंड हियर इज 1 बाय क्यू. सो व्हाट यू हैव गॉट, इस साइड पे आपका बन गया 1 बाय पी प्लस 1 बाय क्यू इज इक्वल टू 1. आप कंपेयर करेंगे उधर से, इंटेग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ जी मॉड इज लेस देन और इक्वल टू, जो बेटा डिनोमिनेटर में है वो उधर चला जाएगा, नॉर्म ऑफ एफ पी इंटू नॉर्म ऑफ जी क्यू. राइट,
ऑल्सो ऑल्सो एफ किस में है एल पी में, जी किस में है एल क्यू में, ठीक है. सो देयर फॉर इंटेग्रेशन ए टू बी मॉड ऑफ एफ जी, वो क्या हो जाएगा. अब ये देखो ये किस में है इंफिनिटी में एफ में है, ये एल पी में है, जी किस में है एल क्यू में है, ठीक है. तो उससे होगा क्या, अगर आपका एफ एल पी में है तो वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, मॉड ऑफ एफ पी इज लेस देन इंफिनिटी, मतलब नॉर्म ऑफ एफ पी इज लेस देन इंफिनिटी. सिमिलरली इंटेग्रेशन ए टू बी मॉड ऑफ जी क्यू रेज टू पावर 1 बाय क्यू इज लेस देन इंफिनिटी, इट इंप्लाइज ये भी किस में आ जाएगा बेटा, दिस इज लेस देन इंफिनिटी, ठीक है. उन्होंने सिर्फ ये लिखा है, मैंने इसको पूरा खोल के लिख दिया. ये क्यों होगा, क्योंकि एफ किस में है एल पी में, जी किस में है एल क्यू में है, तो इसका मतलब उनका इंटेग्रेशन जो है वो लेस देन इंफिनिटी होगा, ठीक है जी. सो ये दोनों क्वांटिटी क्या होगी, लेस देन इंफिनिटी. और हमने प्रूव क्या किया अभी, इंटेग्रेशन ए टू बी एफ जी मॉड इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ पी इंटू नॉर्म ऑफ जी क्यू, उसको नंबर वन दे, ये क्या है लेस देन इंफिनिटी आ गया. देयरफॉर इंटेग्रेशन ए टू बी मॉड ऑफ एफ जी इज लेस देन इंफिनिटी, ठीक है. तो यहां से क्या पता चला, इट इंप्लाइज ये इसकी पावर 1 होल रेज टू पावर 1, ये सब चीजें बुक में नहीं लिखी, दिस इज लेस देन इंफिनिटी. इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर है एफ जी ये किस में आ गया, ये एल वन ए बी में आ गया, यही आपने प्रूफ करना था, राइट. एंड और दूसरा आपने प्रूफ कर दिया इंटेग्रेशन ए टू बी मॉड ऑफ एफ जी इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ पी इंटू नॉर्म ऑफ GQ, hence proved.